Hello friends, welcome to my YouTube channel, Trendonomics by Heuristix. So market is going range bound, sideways thoda pause aa gaya market mein aur Fed policy hai to kya hoga bhai 75 basis point high market kal red hoga ya bullish hoga sab bearishes mein kya hoga. So I'm going to discuss about Nifty Bank Nifty overall outlook kya lag raha hai kal market ka bullish hai bearish hai Fed kya decision ke baad. So this is going to be interesting video. Watch till end. If you still haven't subscribe करो, share करो, like करो, maximum share like करो, थोड़ा motivate करो. Follow me on Twitter for live market updates, trades. Yes, trades देता हूँ मैं live market में. और obviously free में elite wave सीखना है. I'm giving you this free book. Link है description में भी है और यहाँ पे भी है. ये link यहाँ पे register कर सकते हो. पूरा book पढ़ सकते हो free में elite wave का. और एक छोटा कोर्स भी है वेबसाइट पे और यूट्यूब पे भी है. और अगर इलियट वेव और प्राइस एक्शन सीखना है कैसे ट्रेडिंग करते हैं, सो आई एम स्टिल गिविंग इट 1199 हाउ टू ट्रेड इलियट वेव्स एंड बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन दो कोर्सेस है. सो ग्रैब इट अंटिल इट्स देयर. ओके लेट्स डिस्कस क्या लग रहा है भाई, मार्केट क्या लग रहा है. तो ओवरऑल तो व्यू सेम है. WXYXZ ओवरऑल जो हमारा वेव काउंट है एंड वी आर इन जेड वेव, वी आर इन लास्ट लेग जेड वेव है. फिर ए बी और सी आ रहा है नीचे. तो अभी फेड का पॉलिसी आ जाएगा, इंटरेस्ट रेट हाइक होगा. कितना हाइक होगा, 75 बेसिस पॉइंट, 50 बेसिस पॉइंट, जो भी है. तो उसका इंपैक्ट क्या आने वाला है मार्केट. तो अभी देखो सब लोग बोल रहे कि आज फेड का बेरिश सोच के पब्लिक पूरा बेरिश ही है आज. लेकिन सेंटिमेंट्स अगर आप देखोगे ना तो बेरिश सेंटिमेंट्स खाली मार्केट में पब्लिक बेरिश सोच रहा है कि भाई मेजोरिटी बेरिश है तो सब लोग शॉर्ट करेंगे. लेकिन आज डे इनको मुझे नहीं लगता कोई लोगों ने शॉर्ट कैरी किया होगा बहुत ज्यादा, क्योंकि सब लोग को पता है ये सपोर्ट है. फिर फेड का पॉलिसी की वजह से सब लोग बेरिश ही होने वाले हैं, सबको पता है ये न्यूज है मार्केट में और सबको लग रहा है कि सब लोग शॉर्ट लेके जाएंगे. तो आज कोई शॉर्ट नहीं लेके जाए, हमने तो लेके गए भाई, हम लोग पुट लेके गए हैं. लेकिन मेजॉरिटी आज जो भी डिस्कशन चल रहा था वही चल रहा था कि भाई सब लोग बेरिश है तो यहाँ पे बेरिश नहीं होना चाहिए, कल पॉजिटिव सरप्राइज आएगा. अगर लेके जाना है तो कॉल पुट दोनों लेके जाओ. पता नहीं क्या होगा. मीन्स मार्केट में स्केप्टिकल है. चार्ट क्लियरली बेरिश है, चार्ट बोल रहा है भाई मार्केट डेज लो के यहाँ पे दो तीन दिन के रेंज दो लो के यहाँ पे क्लोज हो रहा है. और आई थिंक दिस इज द लोएस्ट क्लोजिंग इन लास्ट 9 months आई गेस. यस इतना आज का जो क्लोजिंग है वो लोएस्ट है. इससे पहले कभी 15,700 के नीचे क्लोजिंग कभी भी आया नहीं है. मीन्स क्लोजिंग वाइज मार्केट इज बेरिश, मार्केट क्लियरली बोल रहा है मैं बेरिश हूं. लेकिन पब्लिक सोच रहा है कि सब बेरिश है तो मार्केट बेरिश नहीं होगा. सब बेरिश नहीं है, सब लोग बस सोच रहे हैं कि बेरिश है सब लोग. और कोई मुझे नहीं लगता 100 में से 1-2% बेरिश पोजीशन लेके रहेंगे, बाकी सब लोग स्प्रेड लेके गएंगे, हेज लेके रहेंगे, दोनों कॉल पुट या फिर कोई लोग बुलिश पोजीशन लेके रहेंगे. लेकिन नेकेड शॉर्ट लेके जाने वाले बहुत कम रहेंगे हमारे तरह. हाँ ऑब्वियसली फ्यूचर में नहीं है, ऑप्शन में है तो लिमिटेड रिस्क है, बट हम लोग तो भाई नेकेड पुट लेके गए हैं बॉस, हम लोग बेरिश है. ओके तो अभी वेव काउंट देखते हैं. मैंने तो खुल्लम खुल्ला मैं तो रोज डालता हूँ वेव काउंट, ट्विटर पे भी डाला था. सो आई एम थिंकिंग दिस इज थर्ड वेव एक्सटेंशन मोस्टली, कल जो हमने डिस्कस किया था दिस इज 1-2 और फिर मे बी दिस इज थर्ड वेव एक्सटेंड हो रहा है. तो कल क्या पता 400-500 पॉइंट तोड़ दे सीधा मार्केट एंड वी मई सी 16,300 के आसपास 100 आई डोंट नो सॉरी 15,000 कुछ भी हो सकता है कल. ओवरनाइट गैप डाउन हो सकता है, क्या गैप अप होगा मुझे तो नहीं लगता. बस मैं गलत हो जाऊँ ठीक है हम लोग पोजिशन काट देंगे, बट मुझे तो गैप डाउन लग रहा है और नीचे ही लग रहा है 300-400 पॉइंट. सो आई एम एक्सपेक्टिंग 15,300 मिनिमम उतना तो आना चाहिए कल, और ज्यादा ही आ सकता है. सो लेट्स सी, मुझे वेव एक्सटेंशन लग रहा है. मुझे तो मार्केट कहीं से भी बुलिश तो लगता नहीं है भाई, अपने को तो बेरिश ही लग रहा है मार्केट.
सो लेट्स सी, एक कैपिटुलेशन और मार्केट में आना बाकी है, एक जबरदस्त फॉल कैपिटुलेशन आना बाकी है. मार्केट लुक्स बेरिश टू मी, मुझे बुलिश कोई भी एंगल से लगता नहीं है बाजार. सो देखते कल कहाँ पे जाता है. ओके, अगर आपको बेरिश व्यू का अगर निगेट हो जा कहाँ पर हो जाएगा शॉर्ट टर्म में, ओवरऑल तो मार्केट बेरिश ही है, लेकिन शॉर्ट टर्म में अगर 750 के ऊपर गया तो एक बार हम लोग बेरिश व्यू निगेट करके एग्जिट मार देंगे. बट मुझे तो बेरिश ही लग रहा है. बैंक निफ्टी सेम यार, नीचे ही जा रहा है भाई, नीचे ही जा रहा है. कहाँ पे बुलिश, क्यों बुलिश जाने का है? आपको बेरिश नहीं जाना, आपको मंदी कैरी नहीं करनी तो ओके फाइन, बट लॉन्ग कैरी करना ये बेवकूफी है रहेगी. हाँ, कल अगर ऊपर जाएगा तो आप बोलेंगे क्या बेवकूफ बोल रहे हो हमें, लॉन्ग गया हमारा प्रॉफिट हो गया. लेकिन यार डाउन ट्रेंड में मार्केट लो पे क्लोज हो रहा है और आप लॉन्ग लेके जाओगे तो वो तो डेफिनेटली इट्स नॉट वीएबल. बैंक निफ्टी में दिस इज ए बी सी, देन दिस इज एक्स, और वापस ए बी सी, सी वेव पेंडिंग है, नीचे आना चाहिए 32,000 या फिर उसके नीचे, पता नहीं. तो कल शायद गैप डाउन खुल सकता है बड़ा वाला बैंक निफ्टी पे. ओके, डाउ जोन्स की हमने बात की थी, क्या है तो ऑब्वियसली दिस इज डब्ल्यू एक्स वाई, ए बी सी एक्स ए बी सी. ओके, कल ही बात की, दिस इज डाउ फ्यूचर्स, सो दिस इज ए बी सी, देन दिस इज एक्स, वापस ए बी सी, ए बी सी, यस. तो डाउ फ्यूचर में भी मुझे लग रहा है, मींस डाउ जोन्स में, कि एक बार एक बड़ा फॉल आज फेड डिसीजन के बाद आ सकता है. देखो, मार्केट तो नीचे ही जाना है, बुलिश तो है नहीं कोई भी एंगल से. सो मे बी आज पता नहीं, शॉर्ट टर्म में अगर पुल बैक भी आता है सब, जो हमारा बेरिश व्यू रॉन्ग हो जाता है, बट मार्केट फिर भी पुल बैक के बाद मार्केट नीचे ही जाना है. और ओके, तो इन डाउ ऑल्सो इट इज बेरिश, लुकिंग बेरिश. मिड कैप इंडेक्स में भी लग रहा है कि एक बार नीचे ये लो टेस्ट करने या फिर इससे भी नीचे आ सकता है, क्लियरली बेरिश है. ओके, और निफ्टी की अगर हम लोग बात करते हैं तो यार देखो, आवरली पे तो नीचे ही है, आवरली पे नीचे ही है. और देखो 15,700 का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहा है लास्ट मीन्स 3 मंथ्स में. मार्च से 15,700 के नीचे कभी मार्केट गया ही नहीं है, मीन्स पूरे अभी लास्ट 8-10 मंथ में 15,700 के नीचे मार्केट कभी गया नहीं है. द लास्ट टाइम 15,700 लेवल दिखा था, मीन्स 15,700 के नीचे मार्केट था, वो था आई थिंक दिस वाज जुलाई 2021. यस यस, तो दिस वाज 30 जुलाई 2021. वो भी नहीं यार, वहां पे भी 15,700 नहीं है. 29 जुलाई को क्या है, अरे बाप रे, 29 जुलाई को भी ऊपर ही है 700. अरे बाप रे, मीन्स अराउंड जुलाई में दिखा था 15,700 के 15,700 के नीचे क्लोजिंग तो दिखा ही नहीं है. हाँ ये है, यहाँ पे है, विच वॉज 20 जुलाई. ओके, सो 20 जुलाई 2021 को 15,700 के नीचे क्लोजिंग आया था. उसके बाद आज तक जिंदगी में कभी 15,700 के नीचे क्लोजिंग आया नहीं. 20 जुलाई के बाद मीन्स ऑलमोस्ट, आज अभी क्या है, जून, 15 जून है. सो ऑलमोस्ट अभी 11 महीना हो गया, 11 महीने के बाद फर्स्ट टाइम वापस आ रहा है ये क्लोज, मीन्स 52 वीक लो पे है निफ्टी. डेफिनेटली 52 वीक लो पे है मार्केट. 12 महीना हो, मीन्स 11 महीना है ना, ऑलमोस्ट 52 वीक होने को आए, नॉट 52 वीक बट ऑब्वियसली 48 वीक होता है. तो मार्केट लो पे है, और ऑब्वियसली लास्ट 11 महीने में कभी आया नहीं है 15,700 के नीचे क्लोज, 20 जुलाई 2021 से पहले तो, और आज आया है. तो भाई ये लेवल है, ये लेवल के नीचे तो मार्केट नीचे ही जाएगा. और देखो, अभी आप बोलोगे कि 15,670 का जो लो था मार्च का, या फिर मीन्स कल जो बनाया है 600 एंड
What was the low yesterday? 659 means 660-670 के आसपास जो low है वो तो नहीं breach हुआ, उसके नीचे तो close नहीं आया. तो एक बात है भाई, हमेशा समझ लो कोई भी important support होता है वो हमेशा हमेशा वो expiry को तोड़ देते हैं gap down के साथ. जैसे कि यहाँ पे 16800 का support था, वो gap down के साथ expiry में तोड़ दिया था. Yes, वो almost 1000 point नीचे गया था 24 फरवरी को जब यूक्रेन का न्यूज आया था. फिर देखो यहाँ पे भी वापस सेम सीज 16800 का जो मीन्स 16600 के नीचे मीन्स गैप डाउन हुआ था. यस, तो कल का भी चांस है कि भाई गैप डाउन हो जाएगा. गैप डाउन के साथ सपोर्ट खुले आई मीन वो सपोर्ट तोड़ देंगे. जो है अभी का जो सपोर्ट है 15700 के आसपास 670 का, वो गैप डाउन से कल शायद तोड़ देंगे. और फिर डोंट नो मींस देखो पैनिक फॉल है, कैपिटुलेशन है, तो उसमें तो कितना भी फॉल आ सकता है. और आप निफ्टी के देखोगे स्टॉक, अगर मींस रिलायंस देखो, ICICI बैंक, बड़े बड़े स्टॉक देखते हैं हम लोग, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज क्या है, रिलायंस इंडस्ट्रीज इज वीक. तो रिलायंस तोड़ेगा तो भाई कौन बचाएगा? रिलायंस इंडस्ट्रीज से मुझे लगता है दिस इज ए, ये बी हो गया और सी वेव नीचे है, तो मीन्स मार्केट नीचे ही लाने वाला है बाजार. ICICI बैंक देखो, बाजार नीचे ही लग रहा है मुझे तो, ये देखो. सो अगेन ए बी सी एक्स ए बी सी, और आज देखो मीन्स ऊपर जाने की कोशिश की थी लेकिन वापस नीचे ही आ गया. सो नीचे डाउन मूव पेंडिंग है ICICI बैंक में. एक्सिस बैंक देखते हैं, तो सब निफ्टी के बड़े बड़े स्टॉक देखेंगे हम लोग. तो भाई वीक ही है, मीन्स नीचे ही दिख रहा है एक्सिस बैंक भी. ए बी सी एक्स ए बी, और पता नहीं नीचे कितना जाएगा, 600 रुपए जाएगा और नीचे पता नहीं. सो मार्केट इज लुकिंग वीक सर्टनली. एक्सिस बैंक तो यहाँ तक आ सकता है. यस, देखते कहाँ पे जाता है. ओके, अप टू एटलीस्ट अप टू दिस लेवल. यस, और बाकी देखते हैं. कोटक बैंक है, कोटक बैंकिंग तो देख लिया हमने वैसे तो कोटक बैंक क्या लग रहा है? कोटक बैंक वीक ही है ना बॉस. तो कोटक बैंक, रिलायंस हो गया, एक्सिस हो गया, और ITC सिर्फ स्ट्रांग है. और ITC तो स्ट्रांग है, देखते ITC क्या हुआ है. ITC भी वीक हो गया. आई मीन ठीक है, अभी क्या बोलेंगे भाई, इतने सारे सब स्टॉक वीक हो गए हैं. निफ्टी के L&T देखते हैं, सब हैवी वेट देख रहा हूँ मैं. हाँ, और NPCCS भी देखना बाकी है. तो L&T भी वीक है, मींस थोड़ा एक डाउनफॉल आ सकता है. IT क्या कर रहा है? NPCCS तो भाई वीक ही तो है भाई, ये तो नीचे ही जाना है. इंफोसिस, TCS, TCS क्या है? तो सारे के सारे स्टॉक तो निगेटिव ही तो दिखा रहे, TCS ज्यादा कर सकता है. तो मीन्स कुछ है ही नहीं निफ्टी में, तो ये सपोर्ट तो तोड़ेगा बस. और रिलायंस अकेला स्टॉक नीचे दिखा रहा है तो बस बात खत्म. अकेला रिलायंस उसको नीचे ड्रैग कर सकता है. तो कल मेरे हिसाब से 15700 का सपोर्ट तोड़ देंगे गैप डाउन से. पता नहीं कल 300-400 पॉइंट का गैप डाउन ही सीधा खुदे. मुझे तो 400-500 पॉइंट डाउन वो दिख रहा है कल मार्केट में. पता नहीं ज्यादा भी हो, व्यू काउंट के हिसाब से तो मुझे डाउन लग रहा है अभी भी. सो वीकनेस है मार्केट में. कुछ भी स्टॉक जल्दबाजी मत करो लेने की. बॉटम बनेगा हम लोग जरूर बॉटम बनाएंगे. मे बी बहुत जल्दी बनाएंगे, नेक्स्ट 7-8 दिन के अंदर ही बना सकते हैं या फिर मंथ एंड तक. लेकिन रुको जल्दबाजी मत करो. मार्केट वीक लग रहा है, एक बार कैपिटुलेशन होने दो, मार्केट गिरने दो, उसके बाद देखते हैं हम लोग. सो वीक है, तेजी ना करो, बिल्कुल मत करो. आप अगर शॉर्ट लेके गए हो
तो ऑब्वियसली 750 के ऊपर एक बार निकाल दो चाहिए तो ऊपर आ सकता है, अदरवाइज मार्केट नीचे ही है, नीचे 300-400 पॉइंट मिलेंगे और राइट डैम। सो दैट्स इट फ्रॉम टुडेज अपडेट, देखते हैं कल कितना डाउन या कुछ भी जो भी है, बाजार तो ठुकना ही लगता है भाई, हसीन सपने मत देखो। और मार्जिन कॉल आएंगे 15,700 के नीचे, मार्जिन कॉल आ सकते हैं, सब लोग का लेवल है बॉस। तो मैं तो बस एक ही कहूंगा, बी सेफ, पता नहीं कल क्या होगा, कितना नीचे जो भी है ऊपर भी होगा, बी सेफ एंड कैपिटल बचाए रखो। सो दैट्स इट फ्रॉम टुडेज अपडेट, दिस इज हर्षदीप सिंह साइनिंग ऑफ, अंटिल वी मीट अगेन।